स्टूडेंट्स है हमारा एडमिशन डिस्टेंस थ्रू केयू में है जी। हम बीएड स्टूडेंट्स है, बैच 2020 डिस्टेंस थ्रू हमारा एडमिशन है और हमारा एडमिशन प्रोसेस लास्ट ईयर एंडिंग मंथ में कंप्लीट हुआ है 2021 में एंड स्टिल दिस डेट मतलब उन्होंने हमें मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है। हमने इसके लिए ऑलरेडी पैसे पे किए हैं एडमिशन के दौरान एंड 3 मंथ से हम वहाँ घूम रहे हैं कोऑर्डिनेटर की डिपार्टमेंट से ये चैम्बर से यहाँ वीसी तक गए, किसी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया। मेल्स के वीसी को किसी ने कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिया, वो वहाँ पे अपनी कुर्सियों का गलत यूज़ कर रहे हैं। एक तो हमारी बात नहीं सुन रहे ठीक से, ऊपर से बोल रहे हैं नहीं बेटा आपको एग्ज़ाम देना ही देना है एट एनी कॉस्ट, चाहे आप साथ देखिए इस टाइम हमें प्रिपरेशन के लिए होना चाहिए घर पे, 60 रह गए हैं हमें स्टडी मटेरियल नहीं है, हाउ वी कैन प्रिपेयर इन द एग्ज़ाम। ऊपर से 2 सेमेस्टर मिंगल हुए हैं, 10 अगस्त से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, स्टिल दिस डेट उन्होंने हमें मटेरियल नहीं दिया है। दूसरी बात, हम वहाँ पे घूम रहे हैं ऐसे ही, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी राइट्स हैं, वो वहाँ पे हैं हमें सुनने के लिए, हमें इंसाफ दिलाने के लिए, वो उनकी कुर्सी इसी के लिए है, लेकिन वो वहाँ पे दबा रहे हैं स्टूडेंट्स को, जाओ अब क्या करोगे, जाओ करो प्रिपेयर एट एनी कॉस्ट, आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। लेकिन हमारे पैसे, हमारा टाइम, हमारा मटेरियल कहाँ गया, कहाँ गए इंसाफ सिर्फ बोल। हाँ, अब दूसरी बात, 3 मंथ पहले डेट शीट इशू किया गया ठीक है, तो मटेरियल की नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया? तो अगर इनको कुछ प्रॉब्लम थी अपने प्रोसेस में, इनको बोलनी थी ना, नोटिफिकेशन निकालनी थी ना बेटा, यस वी वांट पोस्टपोनमेंट इसका, यस यस उन्हें पोस्टपोनमेंट पोस्टपोनमेंट, क्योंकि इस टाइम मटेरियल देने का कोई फायदा ही नहीं है। 10 पेपर इज नॉट ए जोक, वी आर सपोज टू बी फ्यूचर टीचर्स नाउ, जब हमें नहीं इंसाफ मिलेगा कल हमारा नेशन क्या ये करेगा डेवलपमेंट। Justice! 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 Just